कोरोना की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा लाइब्रेरी बंद कर दी गई थी। हालांकि महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें खोल दिया गया, लेकिन कुछ दिन पूर्व कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए उन्हें फिर से बंद कर दिया गया, जिसके बाद महापौर ने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से चर्चा की और उन्हें फिर से खोल दिया गया। ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने वीडियो संदेश के माध्यम से दी है। कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन में वे लाइब्रेरीज जहां बैठकर के बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें हम अभ्यासिका के नाम से जानते हैं, वे सारी की सारी बंद करने का निर्णय लिया गया था। मैंने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके वे सारी लाइब्रेरीज को शुरू करवा दी थी। अभी दो दिन पहले फिर से बंद डिक्लेयर हुआ, 15 से 21 तक बंद डिक्लेयर हुआ। इस बंद के साथ MPSC की परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसी घोषणा की गई। विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद 14 की परीक्षा को 21 तारीख को लेने का निर्णय लिया गया, लेकिन 21 का निर्णय लिया गया तो भी लाइब्रेरी बंद करने का निर्णय लिया गया। मेरे समझ में नहीं आता कि जब 2 वर्षों से ये परीक्षा हुई नहीं है और मेरे महाराष्ट्र के बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, देहात के बच्चे शहर में आकर के अपने परिवार के पैसे का नियोजन यहां करके 2 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। एकाएक परीक्षा रद्द करने का कोई कारण नहीं था, ठीक है आपने उसको सुधार लिया, लेकिन ये बच्चे छोटे से कमरों में रहते हैं और अभ्यासिका में आकर के पढ़ती है। आपने आदेश देकर के अभ्यासिका भी बंद करा दिया। मैंने कल इस बात का बहुत निषेध किया था। महानगर पालिका की बैठक में भी मैंने आयुक्त जी से कहा था कि इसको आपको करना पड़ेगा। उस बैठक में आयुक्त जी सहमत नहीं हुए। मैंने शाम को फिर से कल बात करी आयुक्त महोदय से कि आपको इसमें मदद करनी पड़ेगी। आयुक्त महोदय जी ने एक नया शगुफा दे दिया कि हम इसमें आपको मदद करते हैं, लेकिन इसके पहले आप पुलिस कमिश्नर जी से बात कर लीजिए, पुलिस कमिश्नर जी अगर राजी होंगे तो हम बात करेंगे। मैंने माननीय पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी से इस विषय में बात की। उन्होंने सकारात्मक रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन की बात है, हम इसको जरूर करोगे। अमितेश जी और बी राधाकृष्णन जी, ये दोनों ने सकारात्मक बात रखते हुए सकारात्मक रुख रखते हुए इस अभ्यासिका को चालू करने का निर्णय अभी लिया है। मैं दोनों अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे इस निवेदन को सुनकर के इन बच्चों के 2 वर्ष की मेहनत पर जो पानी फेरा जा रहा था प्रशासन के निर्णय को, उसको रिवाइज करने का उन्होंने निर्णय लिया और अभ्यासिका शुरू करी। प्यारे बच्चों, भविष्य, भारत का भविष्य आपकी राह देख रहा है। आप अच्छे अधिकारी बनो, अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करो। अगर अड़चन आपके जीवन में इस प्रकार से कोई आती है तो आपके जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपकी बात को ताकत से रख करके आपके पक्ष में निर्णय लेने के लिए हम प्रशासकीय अधिकारियों को मानसिक रूप से तैयार करेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, मानसिक रूप से उन्हें तैयार करेंगे और सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में करवाते रहेंगे। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप इस शिकायत को मेरे पास लेकर के आए और आपको मदद करने में मेरा सहयोग मिला। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं अंतर्मन से प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी इस समस्या का निराकरण करने में ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी जिस समय इन दोनों बड़े अधिकारियों को कन्विंस कर सका। आपके परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।